हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मॉरिन केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइड डिस्कस करेंगे और आप ये अगर चार टॉपिक हर यूनिट से हमने लिए हैं अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं तो पूरी वीडियो में बने रहें अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें तो यूनिट वन का पहला क्वेश्चन जो है एविडेंसेज एनालिटिकल एंड सेंथेटिक ये दोनों एविडेंसेज पूछे जाते हैं तो आप एनालिटिकल एंड सेंथेटिक एविडेंस पढ़ लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सफ्टी रिय। ट्यूशन रिएक्शन भी आती है इसमें बहुत सारी रिएक्शन नाइट्रेशन सल्फोनेशन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एलकाइलेशन भी है तो ये आप पढ़ लीजिए डी डी टी बी एस सी एन क्लोरामाइन इस बार आने के सबसे ज़्यादा चांस है और हकल रूल यूनिट टू में जो है फिनॉल का स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ये पूछा जाता है या बेंजोइक एसिड स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ये दस नंबर में भी आता है और सेवन नंबर में भी आता है और दो नंबर या लॉन्ग में भी आता है पूछा जाता है वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर और इसके बाद आता है इफ़ेक्ट ऑफ सब्सटिट्यूंट ये भी पूछा जाता है कि जब सब्सटिटेंट ऐड करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा फिनॉल पे या बेंजोइक एसिड पे तो ये क्वेश्चन भी आता है तो आप लोग देख लीजिए यूनिट थर्ड में जो है फैट एंड ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट इसका डिफरेंस या लॉन्ग में भी पूछा जाता है आयोडीन वैल्यू एसटाइल वैल्यू एस्टर वैल्यू और आर एम वैल्यू बहुत सारी इसमें ऐसे डिफिनेशन है जो दो नंबर में भी पूछी जाती हैं और सेवन नंबर में भी पूछा जाता है स्पोनीफिकेशन सेवन मार्क्स में भी आता है और दो मार्क्स में भी आता है यूनिट फोर में जो है नेपथलिन एथ्रास एंड फिनंथरीन इनकी सिंथेसिस और इनका प्रिपरेशन ज़रूर पढ़ लें हावर्थ सिंथेसिस जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये तीनों नेपथलिन एथ्रास एंड फिनथरीन तीनों में है तो आप ये ज़रूर पढ़ लें हावर्थ सिंथेसिस की और जो भी नेमिंग रिएक्शन हो इस चैप्टर में आप वो पढ़ लीजिए यहाँ पर डाईफिनाइल मीथेन और ट्राईफिनाइल मीथेन पे नोट आता है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं तो फिफ्थ यूनिट में बेयर स्ट्रेन थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिमिटेशन एंगल स्ट्रेन भी पूछा जाता है इसमें दो नंबर में और सच में मोर्स थ्योरी और या इसको क्या कहते हैं स्ट्रेनलेस रिंग ये टेन मार्क्स में भी पूछा जाता है और दो मार्क्स में और सेवन मार्क्स में भी पूछा जाता है एंड थर्ड जो है रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड ब्यूटेन इसमें रिएक्शन भी पूछी जाती हैं कभी साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन की एंड प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोलकिन एंड प्रिपरेशन कैसे किया जाता है साइक्लोलकिन का तो आप ये भी पढ़ सकते हैं अगर आप ये सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आपकी बैक तो बिल्कुल नहीं आएगी ये मेरी गारंटी है इस यू ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग